पानी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी भी सियासी बचाव कर रही है। जल शक्ति मंत्री के घर विधायक दिलीप पांडे की अगुवाई में गए। दिलीप पांडे से अब सुनवाते हैं कैसे दूर होगा दिल्ली का पानी संकट। दिलीप पांडे जी हमारे साथ हैं। सर कोई बातचीत हो पाई किसी ने प्रयास किया लेकिन पुलिस के साथियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कोई है नहीं। हालांकि कल जब ने अप्रोच किया था तो हमारा पत्र किसी ने रिसीव तो किया था, यहाँ पे रिसीविंग भी दी थी हमें, बट अगर कोई नहीं है और सीधे सीधे संवाद और संपर्क नहीं हो पा रहा तो उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया के साथियों के जरिए हमारी बात माननीय मंत्री महोदय तक पहुंच जाए और वो थोड़ा सा इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कर दें, क्योंकि कई तरह के इवेंट सामने निकल के आ रहे हैं। यूपी की ओर से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हरियाणा की ओर से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के मीडिएशन के जरिए ही रिजॉल्व किया सकता है और कोई तरीका नहीं है। दिल्ली सरकार क्या क्या कर रही है सर पानी के संकट को दूर करने? सरकार दिल्ली की सरकार के मंत्री जल बोर्ड के अधिकारी डीएम एसडीएम 24/7 ग्राउंड पे हैं। पानी की वेस्टेज लीकेज ना हो पाए ये इंश्योर कर रहे हैं। पानी के प्रोडक्शन जितना भी पानी आ रहा है वो प्रोडक्शन लगातार निर्बाध चलता रहा, उसकी आपूर्ति बनी है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो गर्मी है वो भीषण है और लिहाजा इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो ये कि जल संकट बहुत विकराल है। ऐसे संकट के समय में अगर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन केंद्र की सरकार से हो जाए मुझे नहीं लगता कि समाधान आने से दिल्ली की जनता को सोल्यूशन मिलने से कोई रोक सकता। ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के एक नेता की जो पहले आपकी पार्टी में ही थे कि जो हिंदू इलाकों का पानी है वो मुस्लिम इलाकों में बकरीद की वजह से सप्लाई किया, ये सब तो बहुत ओछी और छोटी बातें हैं। जिस किस्म का ये संकट है इस भीषण गर्मी में हम कुछ कह सकते हैं तो हम समाधान की भाषा में क्यों नहीं कह पाते हैं? इस विकराल संकट के समय हम एक दूसरे को साथ दे दें या धक्का दे दें, ये अवसर हमारे पास है। और ऐसे में अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक धूर्त है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी जब भी कोई समस्या होती है दूसरों के ऊपर, चाहे यमुना में प्रदूषण हो या पानी की कमी हो या पोल्यूशन हो, वो पड़ोसी राज्यों पे आरोप लगा। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की सरकार की जो जल मंत्री महोदय है वो लगातार ग्राउंड पे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद लगातार ग्राउंड पे हैं, पानी की वेस्टेज लीकेज प्रोडक्शन 24/7 सब मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। लेकिन अगर मुनक कैनाल से वाटर माफिया पानी चुरा रहा है तो इसमें दिल्ली की सरकार क्या कर पाएगी? भाई साहब पचारा गांव में अगर वहां का माइनिंग माफिया यमुना के प्रवाह को अवरुद्ध करके और वहां से सैंड को माइन करके निकाल रहा है और पानी का जो प्रवाह है वो रोक रहा है तो उसमें दिल्ली की सरकार कैसे कर पाएगी? इसीलिए हम केंद्र की सरकार के दमखम रखने वाले जो मंत्री महोदय हैं पाटिल साहब उनके दरवाजे पर आए थे दिल्ली की जनता की पीड़ा कहने के लिए कि आप थोड़ा सा इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कर देंगे दिल्ली वालों को राहत मिल जाएगी। तो दिल्ली वालों को राहत मिल जाए इसलिए दिलीप पांडे अपने तमाम साथियों अब विधायकों के साथ सीआर पाटिल से मिलने उनके घर पहुंचे थे, लेकिन जानकारी ये निकल के आ रही है कि उनके घर पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।